तालाबों का शहर भोपाल ताज मसाजी पर 9 किलोमीटर से भी ज्यादा तालाब साथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत गोपाली छोड़कर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। पश्चिम विभागीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन संपन्न हुआ ऐसा मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद मंत्री महोदय। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। हम पश्चिम विभागीय अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में सच्चाई से और जोश के साथ हिस्सा लेंगे। तो पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। कंपटीशन होते हैं, आज का सभी खेल सिर्फ खेल ले रहा है, उसको साइंटिफिक शास्त्रीय दृष्टि से खेलना पड़ता है। जो कोचिंग होती है इतनी सस्ती कोचिंग नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोच आए हैं, ये हमारे खिलाड़ी को बना रहे हैं, कहते अच्छी तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जहां भी एशियाड हो, राष्ट्रकुल हो, या अभी 2012 में आने वाले ओलंपिक कॉम्पिटिशन हो, वहां पे जो हमारे खिलाड़ी सहभागी होंगे, पार्टिसिपेट होंगे, उनका जो ट्रेनिंग और कोचिंग है हमको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। इसके लिए हमने प्रावधान किया है, राष्ट्र विद्यापीठ एजुकेशन स्तर पे भी और हर एक्टिविटीज में भी लगभग महाराष्ट्र में सेकंड रैंक पर है, मैंने ऐसा सुना है, सेकंड रैंक पर है। इसके लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। स्पोर्ट्समैन सभी को मैं हमारे इस विद्यापीठ की ओर से स्टेट महाराष्ट्र स्टेट का मिनिस्टर के नाते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ और बेस्ट विशेष देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कबड्डी ये खेल सही में जो हमारे सहकारी गण ने कहा है 4000 साल पुराना है और उसमें महिला और पुरुष दोनों का भी इस खेल में सहभाग है। हमारी देश की सभ्यता इस खेल के साथ में शुरुआत हुई है। शायद यही वजह है खेल में मिट्टी की एक महक और सुगंध आती है। तो इस खेल के द्वारे वो नारी और हमारे महिला या हमारी लड़कियां उनको जो भी समाज में जो करना चाहते हैं उसे पूरी फ्रीडम के साथ में और अपनी मनपसंद दिशाओं के तरफ अपने भविष्य को संवार सके, इस तरह से वो बढ़ सकती है इस खेल के द्वारा, ऐसा मेरा मानना है। इस खेल में चीते की तरह शक्ति और चपलता इनका स्वरूप दिखाई देता है। ये बड़ी मुख्य स्वरूप से इस खेल का एक मुख्य कारण है और मेरे ख्याल से कंट्रोल ऑफ ब्रेथ जो इस खेल का मुख्य बिंदु है, उसमें रामदेव बाबा जी का प्राणायाम की शक्ति की ऊर्जा, चैतन्य और जीवित रूप से, मैं फिर से कहूंगा चैतन्य और जीवित रूप से आपको और हमें सबको चक दे कबड्डी देखने का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।
है।